हेलो एवरीवन। एक्चुअली आज मैं आप लोग के सामने इसलिए आया हूँ कि मुझे ये बताना है कि मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेरीज आ रहे थे कि सर आप कौन कौन से टॉपिक्स कंट्रोलिंग में कवर करते हैं और कौन कौन से कितना समय लगता है। ठीक है, ये पूरे कोर्स एंड टू एंड कोर्सेज में कितना ड्यूरेशन होगा, क्या टाइमिंग होगी, क्या ड्यूरेशन होगा, कितना होगा, और साथ ही साथ कौन कौन से टॉपिक्स जो होंगे वो आप इसमें कंट्रोलिंग में कवर करते हैं। बिकॉज हमने देखा है क्या कि मार्केट में बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो कि ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं कंट्रोलिंग के, कहते तो हैं कंट्रोलिंग के, बट वो क्या होता है, फुल एंड टू एंड ट्रेनिंग नहीं दे पाते, क्योंकि मेनली जो इस बेसिक थिंग्स होते हैं जो कंट्रोलिंग के वो दे देते हैं। जहाँ पे बात आके फंस जाती है, मेनली जो जो एक्टिविटीज होती है, मेन एक्टिविटीज होती है, वो वहाँ पे वो प्रोवाइड नहीं कर पाते। तो बात सही भी है, एवरी स्टूडेंट्स नीड टू आस्क यू वट एवर दे हैव अ क्वेरी। सो आप कोई भी क्वेरी है बिल्कुल पूछना भी चाहिए। तो इसी क्वेरी को मैं आज रिसॉल्व करने के लिए आया हूँ, जो कि आई थिंक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कि SAP SEO कंटेंट। अभी जो है मैं आपको बताऊंगा कि मैं कौन कौन से जो कंटेंट है मैं कवर करता हूँ जो हम अपने SAP कोर्स में करते हैं। तो लेट्स कम विद द अबाउट अस, ये हमारे बारे में है जो कि हम जो हमारे इंस्टीट्यूट है या फिर जो मेरा ऑर्गेनाइजेशन है वो हम कैसे कैसे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, कहाँ कहाँ के लोगों से कब से कर रहे हैं एंड ऑल थिंग्स। लेट्स कम विद द मेनली टॉपिक दैट इज अ कंट्रोलिंग कंटेंट्स। सो कंट्रोलिंग कंटेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये है हमारे कंटेंट्स, कई स्लाइड्स में है, और ये जो सारे के सारे जो कोर्सेज हैं वो अराउंड 40 आवर में ये कंप्लीट होता है। दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि 4 to 5 months। एंड लेट्स कम विद द कंटेंट। पहला कंटेंट हम देखेंगे क्या इंट्रोडक्शन ऑफ SAP है। इसमें क्या होता है कि जो थ्योरी पार्ट्स है, ये दिस इज अ थ्योरी पार्ट्स फ्रॉम 1 to 5th, या 1 to 5th पहले से लेकर के 5वें पार्ट तक जो है कि सारे के सारे थ्योरी पार्ट है जो कि मैं कवर करूंगा थ्योरी में। पहले इंट्रोडक्शन ऑफ SAP, दैट मीन्स SAP क्या है, कब आया, कैसे आया, क्या इंपॉर्टेंस है, कौन कौन सी कंपनियां उसे यूज कर रही हैं, व्हाट काइंड्स ऑफ अ कंपनी आर यूजिंग, जॉब अपॉर्चुनिटीज किस टाइप की है, व्हाट काइंड ऑफ अ जॉब प्रोफाइल्स आर अवेलेबल इन द मार्केट, एंड आई एम ऑल्सो सपोज दैट आई हैव कंप्लीटेड माई SAP कोर्स, सो हाउ कैन आई एक्सेप्ट ऑफ द सैलरी, सो कितना मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ सैलरी, एंड ऑल थिंग्स आई विल डिस्क्राइब ऑन ऑल थिंग्स। देन अ पार्ट ऑफ दिस व्हाट इज द SAP फीचर्स लाइक ACC एंड S/4HANA, तो बोथ आर डिफरेंट डिफरेंट वर्जन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन SAP ACC एंड HANA, बिकॉज दिस नाउ दिस टाइम दिस इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नॉर्मली व्हिच आस्क बाय एवरी इंटरव्यूअर। So I will cover up in all things like ECC and S/4HANA as well. And then is the another thing I will cover is the SAP Fury overview. That means a Fury is one kind of presentation layer that is has been added in S/4HANA. New functionality or we can say एक functionality है जो कि add हुआ, जो हम cover में आपको बताऊंगा कैसे। SAP activation, SAP activation that means suppose that अगर कोई company है वो अपने ये कंपनी में जैसे जैसे वो अपना जो है कि कैसे वो SAP एक्टिवेट करवाना चाहती है तो उसके क्या एक प्रोसेस है, वो सारा का सारा चीज मैं डिफाइन करूंगा। देन उसके बाद में इंट्रोडक्शन ऑफ SAP कंट्रोलिंग, मैं उसके बाद आपको कंट्रोलिंग के बारे में बताऊंगा, कंट्रोलिंग के सब मॉड्यूल्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, वो सारी चीज डिफाइन करने के बाद फ्रॉम द 6th टॉपिक यू कैन सी हियर इज फ्रॉम द 6th टॉपिक दैट इज अ बेसिक सेटअप। यहाँ से आपका जो है सिस्टम पे काम शुरू होगा। सिस्टम पे काम शुरू दैट मीन्स कि अब हमें यहाँ पे SAP की रिक्वायरमेंट होगी, सॉफ्टवेयर और सर्वर की रिक्वायरमेंट होती है जो कि हम यहाँ पे अब यहाँ से करेंगे। सो गाइज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको बेसिक सेटिंग दैट मीन्स मैं आपको फर्स्ट डे फ्रॉम द हाउ टू डिफाइन अ कंपनी, एज अ कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं से लेकर के एंड टू एंड सिनारियो। अब होता क्या है कि जब भी अगर हम कोई कंपनी क्रिएट करने जाते हैं तो कुछ बेसिक पैरामीटर्स होते हैं, लगभग अराउंड 18 to 20 पैरामीटर्स हैं जो कि हमें करने होते हैं, वो मैं आपको करके बताऊंगा 101। और एक चीज और मैं बता दूं, जो भी मैं आपको बताऊंगा वो बैकग्राउंड में वो वीडियोस भी बनती है, वो वीडियोस भी बनेगी, और वीडियो बनने के बाद जो है आपको जैसे ही वो सेशन कंप्लीट होगा आपको वो वीडियो मिल जाएगी। फिर उसके बाद मैं बताऊंगा आपको कंट्रोलिंग सेटअप इन द सेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग या फिर कंट्रोलिंग से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है जो SAP में हम करते हैं, कंट्रोलिंग एरिया सेटअप जैसे KU01 से हम करते हैं, ठीक है, उससे हम
उसे सेटअप करेंगे, सेटअप करने के बाद एक्टिवेट करेंगे प्रॉफिट सेंटर, एंड प्रॉफिट सेंटर करने के बाद कोई भी कंपनी में जिस तरीके से कॉस्ट सेंटर और सॉरी कॉस्ट सेंटर एंड प्रॉफिट सेंटर होते हैं, जो उनके हायरार्की होते हैं, कैसे कैसे डिफाइन होते हैं वो सारी चीज़ें, मैं कॉस्ट सेंटर क्या होता है, क्यों बनाते हैं उसको, हायरार्की क्या होता है, हायरार्की कैसे बनती है, कॉस्ट सेंटर में एक्सपेंसेस कैसे बुक होते हैं, सब कुछ एक्सप्लेन करने के बाद देन आई विल डिस्क्राइब अबाउट अ प्रॉफिट सेंटर। प्रॉफिट सेंटर के बारे में आपको डिस्क्राइब करूंगा कैसे होता है, क्या क्या होता है, ठीक है। देन उसके बाद हम मैं बताऊंगा आपको को मास्टर डेटा के बारे में, मास्टर डेटा इन द सेंस ऑफ मास्टर डेटा क्या होता है, क्यों होता है, प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट, कॉस्ट एलिमेंट क्या होते हैं, जैसे उसमें भी जो होते हैं प्राइमरी कॉस्ट एलिमेंट, सेकेंडरी कॉस्ट एलिमेंट, ये क्या चीज है, सब कुछ बताने के बाद मैं सिस्टम पे आपको क्रिएट करके बताऊंगा। देन इसके बाद हम एक पोस्टिंग करेंगे, एक नहीं हम कई सारी पोस्टिंग करेंगे जो कि ट्रांजेक्शन से जीएल पोस्टिंग करेंगे। ये सब कुछ बताने के बाद हम पढ़ेंगे क्या इंटरनल ऑर्डर, इंटरनल ऑर्डर क्या होता है, क्यों यूज होता है, कोई कंपनी से कैसे यूज करती है, उसको करने के लिए कैसे हम बजट डिसाइड करते हैं, सप्लीमेंट कैसे देते हैं, देन अगर एक्स्ट्रा हो रहा है बजट तो उसको हम रिटर्न कैसे करेंगे, दैट इज कॉल्ड रिटर्न एक्स्ट्रा बजट, ठीक है। तो सारा का सारा एक्टिविटीज मैं बताऊंगा, देन उसके बाद आपको मैं सेटलमेंट ऑफ द इंटरनल ऑर्डर बताऊंगा। दैट मीन्स कि अगर इंटरनल ऑर्डर के थ्रू हमें अगर कोई कॉस्ट रिसीव हो रहा है या कॉस्ट अकर हो रहा है, उसको हम वो खत्म हो जाए के बाद उसको हम कैसे उसको सेटल करेंगे। देन उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन एंड असेसमेंट साइकिल, ये सब कुछ बताने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल क्यों होता है, रन कैसे होता है, किस चीज के लिए होता है, असेसमेंट साइकिल बताने के बाद एक्टिविटी टाइप्स क्या होती है, और एनएसकेएफ दैट इज अ स्टैटिकल क्यू फिगर, ये क्या होता है, क्यों बनाते हैं, सब कुछ डिफाइन करूंगा। देन अब यहाँ से देखिए ना, फ्रॉम द 15 टॉपिक द मेन एक्टिविटी विल स्टार्ट विच इज रिलेटेड टू अ कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग से रिलेटेड जो है मेन एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाती है, जो कि हम कहते हैं प्रोडक्ट कॉस्टिंग। यानी अगर हम कंट्रोलिंग करने जा रहे हैं, ठीक है, सपोज दैट कि एग्जांपल ले लो कि मेरी ही कोई कंपनी है और उस कंपनी को मैं क्या है कि एक लैपटॉप बनाऊंगा, मैंने कभी डिसाइड किया कि मैं सोच रहा हूँ अभी कि मैं लैपटॉप बनाऊंगा, लैपटॉप बनाने के बाद उसको मार्केट में सेल करूंगा। तो ऐसा नहीं है गाइस कि मैं लैपटॉप आज ही सोचा और आज ही बनाना शुरू करूंगा, सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि हमें उस लैपटॉप को बनाने से पहले प्लान कॉस्ट निकालना पड़ता है, एस्टिमेट करना पड़ता है प्लान कॉस्ट क्या है। तो वो एस्टिमेट करने के लिए हमें क्या करना होता है, प्रोडक्ट कॉस्ट प्लानिंग करते हैं, दैट इज अ 15 टॉपिक, तो मैं सब कुछ इसमें डिस्क्राइब करूंगा। देन उसके बाद अब क्या है कि जब हम मटेरियल जब हम प्लान कॉस्ट करेंगे, तो जाहिर सी बात है उसमें जब हम लैपटॉप बनाने जाएंगे तो उसमें कुछ रॉ मटेरियल्स लगेंगे, रॉ मटेरियल इन द सेंस ऑफ रैम, हार्ड डिस्क, स्क्रीन एंड ऑल थिंग, बहुत सारी चीजें होती हैं जो लगेंगी। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले कि हमें रॉ मटेरियल्स भी हमें बनाने होंगे और उसको खरीदने होंगे और हमारे अपने पास होगा, तो डेट मीन्स हमें एमएम का कॉन्फ़िगरेशन भी करना होगा। नॉर्मली बहुत लगभग सभी इंस्टीट्यूट में जो ट्रेनर्स होते हैं वो ये कहते हैं कि एमएम का कॉन्फ़िगरेशन है या फिर एमएम मॉड्यूल करेगा, आपको नहीं बताना है या वो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मैं यहाँ पे करूंगा पूरा का पूरा एमएम कॉन्फ़िगरेशन भी मैं सेटअप करूंगा आपके सामने और आपको बताऊंगा एंड टू एंड। देन उसके बाद वेंडर क्रिएट करेंगे, देन उसके बाद मटेरियल भी क्रिएट करेंगे, मटेरियल क्रिएट जैसे रॉ मटेरियल जो जो मैंने बताया आपको, वो रॉ मटेरियल क्रिएट करेंगे, देन उसको परचेस करेंगे, देन उसके बाद हम आएंगे प्रोडक्ट कॉस्टिंग की तरफ आएंगे। ये भी सारी की सारी एक्टिविटीज जब हमारे पास रहेगी तब हम क्या करेंगे कि उसमें हम कॉस्ट सेंटर ऑफ एक्टिविटी टाइप इन द सेंस ऑफ अगर हम उस लैपटॉप को बना रहे हैं, बनाने के लिए जैसे लेबर चार्जेस हो गया, असेंबलिंग हो गया, क्वालिटी में जाएगा क्वालिटी चेकअप के लिए, पैकिंग हो गया, तो बहुत सारी एक्टिविटी चार्जेस होते हैं जैसे हम एक्सपेंसेस होते हैं, तो उसे हम करेंगे। देन उसके बाद डिफाइन बॉम, बॉम क्या होता है, कैसे होता है, क्यों बनाते हैं, ये सारी डिफाइन करने के बाद एक्टिविटी टाइप, वर्क सेंटर, राउटिंग, राउटिंग में एक्टिविटी टाइप्स आ जाते हैं जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो हम वो सारी चीजें हम देखेंगे। देन कंपोनेंट्स, कॉस्ट कंपोनेंट स्ट्रक्चर देखेंगे और कॉस्टिंग सीट। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि अब हम मैंने अगर सपोज दैट मैंने अगर ये सोचा कि मेरे को लैपटॉप बनाना है, तो लैपटॉप बनाने से पहले मैं प्लान कॉस्ट करूंगा, तो उस प्लान कॉस्ट कैसे होगा, पहले मैं रॉ मटेरियल देखूंगा कौन कौन से रॉ मटेरियल हैं, कितने में आ रहे हैं, कैसे हैं, उसके पीछे लगने वाले एक्टिविटी टाइप दैट इज असेंबलिंग चार्जेस, क्वालिटी चार्जेस, पैकिंग चार्जेस देखूंगा क्या है, देन उसके बाद क्या डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, देन भी हम डिसाइड करेंगे क्या कि ये लैपटॉप हम जब बनाएंगे तो मे बी ये लगता है कि 20,000 या 20,000 में ये बन जाएगा। अब हमने क्या किया कि हम उसका कॉस्ट रन करेंगे, 17 टॉपिक्स का कॉस्ट रन करेंगे और मल्टीपल कॉस्ट रन, एक साथ हम एक प्रोडक्ट का कैसे कॉस्ट रन करेंगे और एक साथ हम बहुत सारे प्रोडक्ट का कैसे कॉस्ट रन करूंगा, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। ये कॉस्ट रन करने के बाद हमने हमने अपना प्लान कॉस्ट एस्टिमेट किया, यानी हमने ये देखा कि हम जब लैपटॉप बनाना शुरू करेंगे तो हमारा जो प्लानिंग कॉस्ट वो 20,000 में बन करके तैयार हो जाएगा, ये तो फाइनल हो गया। अब चलते हैं 19 टॉपिक,
19वां जो टॉपिक है वो हम देखेंगे प्रोडक्शन ऑर्डर प्रोसेस। प्रोडक्शन ऑर्डर प्रोसेस में हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। हमने प्लानिंग तो कर लिया, अब हम प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। तो प्रोडक्शन स्टार्ट दो तरह से होता है, एमटीएस और एमटीओ, मेक टू स्टॉक एंड मेक टू ऑर्डर। इन दोनों में काफी अच्छा डिफरेंट है, जो कि मैंने एक वीडियो में कवर भी किया था, और जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं पूरा का पूरा सब कुछ आपको कवर कर दूंगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें करने के बाद, ये सारी चीजें करें हम क्या करेंगे कि प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। अब हमने क्या किया, लैपटॉप बनाना शुरू किया। लैपटॉप बनाने के बाद हमें पता चला क्या कि हमने तो एस्टिमेट किया था 20,000, या प्लान कॉस्ट निकाला था 20,000, लेकिन मे भी हो सकता है कि हमारा जो बन के तैयार हुआ वो एक्चुअल कॉस्ट हुआ 18,000, 18,000, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 22,000 भी हो सकता है। अगर 18 होगा तो क्या होगा, ये होगा हमारा फेवरेबल कॉस्ट, यानी हमारे फेवर में है। अगर 22 होता है तो क्या होता है, यहाँ पे हमारे 2,000 रुपये अनफेवरेबल कॉस्ट होता है, यानी 2,000 जो होगा वो अनफेवरेबल कॉस्ट होगा। उसके बाद जो भी हमारा कॉस्ट रिसीव होगा, हम उसे क्या करेंगे, वेरियंस कैलकुलेट करेंगे। आफ्टर द कैलकुलेशन ऑफ अ वेरियंस, हम वेरियंस कैलकुलेट कर लेंगे, उसको हम उस वेरियंस को फिर सेटल करेंगे, यानी जो भी हमारा वेरियंस हुआ कहीं ना कहीं सेटल तो होगा ही। WIP कॉन्फिग्रेशन, यानी वर्क इन प्रोग्रेस कॉन्फिग्रेशन मैं आपको बताऊंगा। देन 22 टॉपिक के बाद जो भी चीज मैं बताऊंगा, एक बार हम 19 से लेकर के 22 टॉपिक तक का पूरा समरी देखेंगे। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, प्रोडक्ट कॉस्ट बाय पीरियड पढ़ाता हूँ। प्रोडक्ट कॉस्ट बाय पीरियड, जो कि रिपीटेटिव मैन्युफैक्चरिंग होता है, जैसे कि बहुत सारे कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो एक बार प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है वो रिपीटेटिव में चलते जाते हैं, वो जल्दी खत्म नहीं होते। जैसे शुगर, शुगर का एग्जांपल ले ले, तो वहाँ पे एक रिपीटेटिव मैन्युफैक्चरिंग होता है, डी असेंबलिंग और रीअसेंबलिंग बहुत ही इसी नहीं होता। फिर एंड टू एंड प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा, इसमें भी ये WIP कैलकुलेशन, वेरियंस और उसका समरी देने के बाद मटेरियल लेजर, मटेरियल लेजर जो एक अलग ही कॉम्पोनेंट है जो कि S/4HANA में है, उसके बारे में पूरा डिफाइन करूंगा कि मटेरियल लेजर होता क्या है, कौन कौन से पैरामीटर होते हैं, उसके मल्टीपल करेंसी वैल्यूएशन एंड एक्चुअल कॉस्टिंग कैसे डिटरमाइन करते हैं। देन उसके बाद कोपा इंट्रोडक्शन। कोपा, कोपा इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन द कंट्रोलिंग। पता है कोपा बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही कम लोगों को पता है। अगर कोपा का किसी को भी अगर थोड़ा सा भी नॉलेज है, 101% है कि जॉब में सिलेक्शन होना है, क्योंकि जल्दी लोग मिलते नहीं है कोपा के। तो इस कोपा के बारे में बताऊंगा। कोपा के बताने, कोपा नॉर्मली होता क्या, प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट है। प्रॉफिट हम चेक करते हैं कि अब हमारा लैपटॉप बन के तो तैयार हो गया, हमारा एक्चुअल कॉस्ट, प्लान कॉस्ट हमने निकाला, एक्चुअल कॉस्ट भी निकाल लिया, एक्चुअल में हमारा वेरियंस आया, फेवरेबल आया, अनफेवरेबल आया, सब कुछ करने के बाद अब हम क्या करेंगे, उसको मार्केट में सेल करेंगे। अब जब मार्केट में सेल करेंगे और हमें पता करना हो कि ये 1 ईयर ले लो, 6 ईयर में, कि कौन से एरिया में हमारा सबसे ज्यादा प्रोडक्ट सेल हुआ, कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा सेल हुआ, किस सेल्स ऑफिस से ज्यादा सेल हुआ, कौन से वाले ब्रांच से ज्यादा हुआ, किस बंदे ने कितना सेल किया, किस सेल्स पर्सन ने कितना सेल्स किया, सारी की सारी चीजें अगर हमें रिपोर्ट में, जस्ट लाइक अ पाइवट टेबल, जैसे कि एक्सेल में एक पाइवट टेबल होता है, वैसा ही कुछ उस तरीके से होगा, पाइवट टेबल हम क्रिएट करेंगे। तो सारी की सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। देन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक्चुअल कॉस्टिंग ऑफ अ सेल्स ऑर्डर। अब हम क्या करेंगे, सेल्स ऑर्डर का कॉस्टिंग। सेल्स ऑर्डर करने के लिए SD कॉन्फ़िगरेशन की बहुत जरूरी होती है, विदाउट SD कॉन्फ़िगरेशन वी कांट डू। इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी की मैं बात करूँ तो SD का कॉन्फ़िगरेशन के लिए अलग से SD मॉड्यूल के लोग होते हैं, बट यहाँ पे मैं आपको करके बताऊंगा एंड टू एंड। ठीक है, यहाँ पे किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पे मैं सबका सब कुछ करके बताऊंगा और आपको भी सिखाऊंगा और एक्सप्लेन भी करूंगा। देन उसके बाद स्टार्ट करेंगे अपना कॉस्टिंग प्रोसेस। कॉस्टिंग प्रोसेस में WIP वेरिएंस सेटलमेंट करने के बाद कोपा प्लानिंग एंड रिपोर्टिंग, वही बात आ गई, उसको हम मैं आपको रिपोर्ट बनाना बताऊंगा, प्लानिंग करना बताऊंगा। तो ये सारी की सारी चीजें जो होती हैं, फ्रॉम दैट 1 to 33 टॉपिक्स विच आर अवेलेबल, मेनली टॉपिक्स आर अवेलेबल इन द कंटेंट आई हैव शो ओवर देयर। ठीक है, तो मैंने कंटेंट जो है कि यहाँ पे शो किए हुए हैं ये सारे के सारे। अब मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी है जो जो कि अभी बच रही है, कंट्रोलिंग से रिलेटेड ऑल एक्टिविटीज है, चाहे वो टफ हो चाहे वो ईजी हो, सारे के सारे टॉपिक्स अवेलेबल। अगर आपको इतना नॉलेज है बेसिकली, आप बहुत अच्छा कर सकते हो। स्पेशली अब आपने देखा क्या कि मैंने आपको जो भी बताया, सारे के सारे चीज, सारी की सारी एक्टिविटी कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड है। इसलिए मैं ऐसे CMA गाइस को मैं फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि CMA वालों का करियर यहाँ पे बहुत अच्छा है, क्योंकि CMO वालों का बैकग्राउंड ही कॉस्ट सेंटर के लिए है, उनको पहले से ही डीप नॉलेज है, बेसिक अकाउंट का नॉलेज होता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि एवरी कंपनी, जितनी भी कंपनी है, अगर कंट्रोलिंग की बात आती है तो यहाँ या तो वो एक्सपीरियंस होल्डर खोजेंगे, और एक्सपीरियंस अगर नहीं मिलते तो देन उसके बाद अगर किसी बंदे को हायर भी करते हैं तो एटलीस्ट कम से कम CMA गाइस को करते हैं, जिनको कॉस्ट अकाउंटिंग का नॉलेज, और एक अच्छा पैकेज देते हैं, बहुत ही अच्छा पैकेज देते हैं, और एक अच्छा करियर उनका होता है यहाँ पे, और एक बहुत ही
उसमें से बहुत अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं। तो स्पेशली इसीलिए मैंने सीएमए गाइस के लिए फोकस किया है, कंट्रोलिंग का कंटेंट के लिए। और कंट्रोलिंग के क्या होता है कि ट्रेनर्स भी जल्दी नहीं मिलते हैं, क्योंकि कंपनीज में क्या होता है कंट्रोलिंग के ऐसे बहुत ही कम बंदे हैं जिनको फुल फुल नॉलेज ए टू जेड, जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत ही कम है। तो ये जो टाइम है, दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। आप समय मत बर्बाद करो और जल्द से, अगर आप सोच रहे हो स्टार्ट करने के लिए, तो हमने जस्ट अभी ये नया बैच स्टार्ट किया है, आप उसमें ज्वाइन हो और इसमें पढ़ना आप शुरू करो। और आई एम डैम श्योर, आई एम 100% श्योर आपके विद इन 8 मंथ, व्हाई आई एम टेलिंग है 8 मंथ, ठीक है, क्योंकि 4 to 5 मंथ तो हमारी वो हो जाएगा, कोर्स कंप्लीट हो जाएंगे, बाकी का 4 मंथ मैं और एक्स्ट्रा लेके चल रहा हूँ, ठीक है, अपने हाथ में रख के चल रहा हूँ, अपने हैंड में लेके चल रहा हूँ, कि अगर 4 मंथ आप प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद आप करोगे, बेसिकली आपका 8 मंथ होते होते आपकी जॉब आपके हाथ में होगी। और क्या होगा, देखो गाइस, अब अगर हम ये पढ़ेंगे तो मैं आपको कुछ और भी कुछ सर्विसेज, जैसे कि जब तक आप 3 to 4 मंथ या 4 to 5 मंथ जो हमारा कोर्स चलेगा, कि सर्वर एक्सेस वो मेरे तरफ से रहेगा फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम माई साइड। उसके बाद जैसे ही आपका 50% कंप्लीट होगा, आई विल शेयर यू इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन। मैं 15%, जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट होगा, मैं आपको उसी समय से इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन आपको दे दूंगा, कि ये सारे क्वेश्चंस होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और आप उसी समय से धीरे 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 धीरे, ये ज्यादा नहीं, दिन में सिर्फ 15 मिनट या आधे घंटे आप पढ़ो, उसकी तैयारी करो। देन उसके बाद मैं रिज्यूम के कुछ फॉर्मेट्स दूंगा जो कंट्रोलिंग से रिलेटेड होंगे, जो आपको हेल्प करेंगे आपके रिज्यूम बनाने में, आपके प्रोफाइल से। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ, कुछ मटेरियल्स दूंगा आपको, मटेरियल्स दूंगा जो रिटेन में होंगे, बाकी वैसे तो हमारी वीडियो मिल ही जाएगी, जो भी मैं समझाऊंगा आप मेरा वीडियो ही देख लोगे, उतना ही काफी है, लेकिन मैं आपको मटेरियल दूंगा अपने तरफ से। तो ये सारी की सारी से सर्विसेज हम आपको देंगे, और जो भी मैं बताता हूँ, जो भी मैं ट्रेनिंग देता हूँ, आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने के बाद जो भी कोई क्वेश्चन है, क्वेरीज हैं, या सपोज दैट कोई इंसिडेंट है, मैंने काम किया मेरे से नहीं आया, आपने कुछ इधर उधर किया, आपसे बाई चांस आने लगा, तो आप उसके लिए परेशान नहीं, आपके लिए मैं एनी टाइम हमेशा आपके साथ हूँ। आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर के या फिर व्हाट्सअप करके आप मेरे को, मेरे मोबाइल पे मेरे कॉल करके मुझसे पूछ सकते हो, अगर मैं फ्री होऊंगा तो तुरंत रिप्लाई कर दूंगा, मैं तुरंत सोल्यूशन दे दूंगा कि कहाँ से ये दिक्कत है। तो यानी हम ये कहें तो 24/7 जो है सपोर्ट है फ्रॉम मेरे तरफ से, ठीक है। सो गाइज, ये था आज का जो मेरा मेन था वीडियो, की कंट्रोलिंग कंटेंट और ड्यूरेशन क्या होगा, जो कि मैंने आपको बताया है इसमें। सो गाइस, अब मैं यहाँ पे इनफ करता हूँ, ठीक है, आज के लिए वाइंड अप करता हूँ, आई थिंक इतना बहुत है। अगर आपको अभी भी कोई क्वेरी है तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में या रोहन से या प्रदीप से किसी से भी आप क्वेरी करके पूछ सकते हो। ओके गाइस, चलो फिर ठीक है, बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।